हम अपने गुरुजनों के शीर्ष चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हैं और आप सभी के शुभ स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। आज हम पेट की तुरंत सफाई के मुख्य तीन उपायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला है एनीमा। एनीमा तीन प्रकार से लिया जाता है, एक तो टॉयलेट में बैठ करके, दूसरा रूम में पलंग पे या फर्श पे चटाई बिछा करके ले सकते हैं, और तीसरा जो है सेल्फ एनीमा पंप वाली। तो तीनों को आप अच्छी तरह समझिए, ये तीनों जो प्रकार हैं किस तरह से मल को बाहर निकाल के ले आते हैं, इसकी विधि क्या है और इनसे हमें क्या लाभ मिलता है, इन तीनों को अपन को समझना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एक पॉट रहता है, इसमें 1.5 लीटर पानी हम भरते हैं कुनकुना, और इसके साथ एक ये लंबा ट्यूब लगा रहता है, और इसके आगे ये नल लगा रहता है जिससे पानी हम इनफ्लो बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और इसके बाद ये कैथेटर रहता है, ये वाला कैथेटर जो इसके आगे लगता है। ये कैथेटर जो है हर व्यक्ति अपना अपना यूज़ कर सकता है, बाकी कैथेटर से आगे का जितना भी एपरेटस है वो फैमिली में सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, केवल कैथेटर अपना अपना यूज़ करना है। ये सबसे पहले हम जो आपको बता रहे हैं टॉयलेट में बैठ कर के कैसे एनीमा ली जाती है वो आप पहले समझिए। इसमें 1.5 लीटर पानी भरा है ट्यूब के साथ, इसमें नल लगा है, और नल को थोड़ा खोल दीजिए, खोलने के बाद इसमें थोड़ी हवा भी निकल जाएगी और थोड़ा पानी भी निकलेगा, फिर इसको बंद कर दीजिए, और फिर इसमें लुब्रिकेशन के लिए आप थोड़ा सा सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल या वेजलिन या ग्रीसिन कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद अपन जैसे टॉयलेट में बैठे हुए हैं, बैठने के 2-3 फुट ऊपर डब्बा टंगा होना चाहिए, और ये जो लुब्रिकेंट किया है ये हम एनस के ज़रिए रेक्टम में 2-3 इंच अंदर प्रवेश करते हैं। कैसे करते हैं ये देख लीजिए, ये आपकी बड़ी आंत है और ये रेक्टम है, ये एनस है, इसमें धीरे से जैसे अपन इंसर्ट करेंगे तो ये 3-4 इंच अंदर चला जाएगा। जैसे ये चला गया फिर इसको आप नल को खोल दीजिए, तो नल को खोल देंगे तो पानी इसके अंदर चला जाएगा रेक्टम में, और रेक्टम में जो मल पड़ा रहता है वो पानी के प्रेशर से थोड़ा ऊपर चला जाता है, वो थोड़ा गीला हो जाता है, और कुछ कुछ लोगों को थोड़ा ही पानी अंदर जाता है तो प्रेशर बन जाता है। अगर प्रेशर बन गया है तो इसको आप वापस निकाल दीजिए और उस पानी को आप रिलीज़ कर दीजिए, तो उसमें केवल पानी नहीं निकलता है, उसके साथ जो ये सिग्मॉइड कॉलम में जो वायरस बैक्टीरिया कीटाणु रहते हैं जिन्होंने पूरे शरीर को हिला दिया है या बीमारी बढ़ा दिया है, जैसे उस पानी से निकल जाता है तो हमें उस बीमारी में तुरंत राहत मिल जाती है। फिर जो पानी बचा है, माना 1/3 आपने पहले भेजा, फिर दोबारा इसमें तेल लगा करके फिर इसको आप इंसर्ट कीजिए 2-3 इंच, उसके बाद ये नल खोल दीजिए, पानी फिर चला जाएगा। जैसे ही थोड़ा पानी गया और जितना आप रोक पाए उसके बाद मालूम पड़ा कि प्रेशर बन गया है तो इस नल को बंद करके फिर से इसको वापस निकाल दीजिए, और जो दोबारा जो अपन ने चढ़ाया उसमें से जो प्रेशर आया उसमें खूब सारा आपका मल निकलेगा। उसके बाद देखो अगर आपका पानी 1/3 बचा है तो तीसरी बार में इसमें लुब्रिकेट करके आप इसमें चढ़ा दीजिए, तो तीसरी बार में जितना भी मल होगा बढ़िया अच्छी तरह से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही मल साफ हो जाएगा निकल जाएगा तो आपको तुरंत राहत मिलेगी और बीमारी में 50% प्रेशर कम हो जाएगा। इसी प्रकार ये अपन जो है बैठ करके लेने वाली करते हैं, परंतु जिनका अभ्यास होता है जैसे ही अंदर हम भेजते हैं और पानी बिल्कुल जा रहा है तो किन्नी किन्नी का तो पूरा डब्बा का डब्बा अंदर चला जाता है, अच्छी बात है। अगर पूरा पानी अंदर चला जाए फिर नल को बंद कर दीजिए, वहीं पूरे पानी को 1-2-3 मिनट रोके रखिए और अच्छा प्रेशर बने तो धीरे धीरे रिलीज़ कीजिए, ऐसा नहीं फुहार की तरह पूरा पानी निकाल लें तो पूरा पानी पानी निकल जाएगा, उस थोड़ा जो मल निकले
फिर रोक दीजिए, फिर प्रेशर आए फिर निकाल दीजिए। जब अंदर प्रेशर बनता है ना तो वो मल का प्रेशर बनता है, तो उस समय धीरे धीरे करके रिलीज कर दें तो आपका मल अच्छी तरह से सफाई होगा। तो ये है आपका बैठ करके लेने का उपाय। अब दूसरा है जो लेट करके अपन लेते हैं, एक्चुअली सबसे पुराना आदि मुनि ऋषियों की यही पद्धति एनीमा की। ये कैसे लेते हैं, आप नीचे चटाई बिछा दीजिए और 2-3 फिट ऊपर ये डब्बा टांग दीजिए और पहले पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटने के बाद इसमें तेल लगा करके और गोदा में एनस के जरिए डाल दीजिए। फिर क्या कीजिए, थोड़ा बायां करवट लेकर के बालक आसन में आ जाइए। बालक आसन में आ जाएंगे तो जो बड़ी आंत है ये वाली, ये इतनी खुल जाती है और रिएक्टम भी खुल जाता है कि पूरा जो अपन ने पानी है इसमें 1.5 लीटर वो पूरा इतना सरल और आसानी से चला जाता है, पता ही नहीं पड़ता। उसके बाद जैसे पूरा पानी चला जाए तो 1-2 मिनट वहाँ रोकिए, फिर उठ लीजिए, फिर 1-2-3 मिनट आप वॉक कीजिए, और अगर फिर प्रेशर बना है तो धीरे से आप टॉयलेट में जाइए और धीरे धीरे पानी रिलीज कीजिए। एकदम फारे की तरह मत करना, और धीरे धीरे जब प्रेशर निकलता जाए पानी छोड़ते जाइए, और करीबन 5-7 मिनट में आपका पूरी जो है मल जितना है वो निकल जाएगा। तो मेन जो मल निकलता है ये रेक्टम और ये सिग्माइड कॉलम का जो मल है वो निकल जाता है। तो ये पोर्शन जब खाली हो जाता है तो वैक्यूम के हिसाब से जो आगे का मल है वो धीरे 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 नीचे यहाँ आ जाता है। इस तरह से ये अपन जो है लेट करके भी ले सकते हैं। तीसरा है सेल्फ एनीमा। सेल्फ एनीमा में इस डब्बे की ज़रूरत नहीं है, इस पाइप की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस उसमें क्या रहता है, एक ये पंप रहता है। आप टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट में मग्गा रहता है, उस मग्गे में पानी भर दीजिए और इसका एक हिस्सा इसमें डाल दीजिए और इसको पंप कीजिए, और इसमें थोड़ा तेल लगा करके बैठ करके और ये अपना एनस में डाल दीजिए, और इसको पहला या दूसरा पंप करेंगे तो हवा निकलेगी, फिर तीसरी चौथे से ये पानी अंदर जाता जाएगा, और जैसे ये 1-1.5 मिनट में अंदर पानी चला जाएगा और फिर आपका प्रेशर बनेगा, फिर आप निकालिए। ये कैसे करते हैं मैं आपको विधि बता सकता हूँ। कोई भी एक अपन मग्गा लेते हैं, जैसे ये मग्गा है, ये तो अपना टॉयलेट में हर किसी में पड़ा ही रहता है, और ये सपोज एक पानी है, ये पानी है, ये मैं आपको सिर्फ करके दिखाता हूँ। ये पोर्शन जो है सीधा आपका पानी में डूबेगा, तो पहले 1 या 2 पंप करेंगे तो हवा निकलेगी, उसके बाद इसको प्रेशर से देंगे तो आपका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और ये जो है आपको तेल लगाकर इसमें एनस में डालना है, घड़ी देख के 1 मिनट में पूरा जो डब्बा है खाली हो जाता है और पानी अंदर चला जाता है। इस तरह से ये जो एनीमा का प्रोसेस है ये कहीं भी अपन ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। माना सपोज जिनको अगर एनीमा की आदत पड़ गई है और बिना एनीमा का पेट साफ नहीं होता है, और सपोज उनको कहीं जाना है, माना सपोज यूं कहो कि ट्रेन में ही कहीं जाना है, और जिस दिन पेट साफ नहीं होता है उस दिन हमें बहुत ही शरीर में भारीपन, मन में बेचैनी, काम करने में मन नहीं, आलस्य, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है, और जिस दिन पेट साफ हो जाता है उस दिन शरीर हल्का रहता है, शरीर में स्फूर्ति ताजगी रहती है, मन में प्रसन्नता रहती है। इसलिए पेट साफ करना अनिवार्य है, पेट साफ तो बीमारी माफ, ये ध्यान। अब ये सपोज आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ये इतना छोटा है, ये फोल्ड हो जाता है, आप चाहें तो इसमें जेब में डाल करके ट्रेन में जा सकते हैं, और हर किसी के ट्रेन डब्बे में तो मग्गा रहता ही है, वही पानी उसमें भरिए और इसको करके 1-2 मिनट में आपका अंदर चला जाएगा और 2-3 मिनट में पूरा मल निकल जाएगा, मुश्किल से 5-7 मिनट में आपका पेट साफ हो जाएगा। वैसे अगर आप ट्रेन में जाते हैं और पेट की कब्जी का प्रॉब्लम है तो 10-10 मिनट लग जाते हैं, इससे आपको 3-4-5 मिनट पूरा पेट साफ होगा, किसी को पता भी नहीं। महिलाएं जाती हैं तो अक्सर बैग लेके जाती है या फिर ये छोटा तौलिया ले जाती हैं, इसमें भी रख के ले जा सकते हैं। और अगर आपको लुब्रिकेशन के चाहिए तेल, तेल के लिए आप एक छोटा सा ड्रॉपर है ये वाला भी रख सकते हैं, बस इसमें तेल लगा के कर सकते हैं। और अगर कोई चाहें कि मैं इसके आगे कैथेटर लगाऊं तो कैथेटर भी लगा सकते हैं, जैसे ये कैथेटर है ये इस तरह से आप लगा सकते हैं, ये और बढ़ जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कहीं भी, चाहे आप मेहमानों के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये आराम से ले सकते हैं। सेल्फ एनीमा है
और बहुत ही सरल है। दूसरा, महिलाओं के लिए अगर योनि को साफ करना है उसके लिए ये कैथेटर रहता है, उस कैथेटर को इसको आगे लगा देंगे इस तरह से, तो इससे आपका क्लीन हो जाए, तो उसके भी जो प्रॉब्लम है वो आपके दूर हो सकते हैं। अब कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जिसमें कुछ चीज़ें एनीमा के पानी में डाल करके और तुरंत उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी को बुखार है, बुखार है तो अपन को तुरंत ठीक करना है, तो जो एनीमा का अपन ने पानी बनाया है उसमें नीम के पत्ते पानी में गर्म करके और आधा पौन गिलास वो नीम वाला पानी इसमें डाल के और उसका हम एनीमा लेंगे, तो वायरस बैक्टीरिया जो बुखार के हैं वो जल्दी मर जाते हैं और अपन बुखार में भी तुरंत राहत मिल जाती है। दूसरा, अगर बढ़ियान में बहुत सारे कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, या एनस में हैं या रेक्टम में हैं, उसको अगर किल करके निकालना है तो आप जो एनीमिया का सिंपल पानी कुनकुना ले रहे हैं उसमें एक नींबू का रस निचोड़ के छान के डाल दीजिए, तो वो आपका वायरस कीटाणु को मार देता है। तीसरा रहता है छाछ का एनीमा, माने जिनको पेचिस है, डिसेंट्री है, म्यूकस है, आँव है और मल किस्तों में निकलता है, उसके लिए छाछ का एनीमा दी बेस्ट है। तो आप छाछ का पानी इसमें डाल करके और इसका लेंगे तो आपका उससे बहुत बढ़िया जो एमोबेसिस के कीटाणु वो सब निकल जाएंगे और आपका मल अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इस तरह से आपका मल साफ हो जाता है। और इनका जो लाभ है, लाभ ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में यही कहा गया है कि शरीर में गंदगी का रुकना ही रोग है और उस गंदगी को बाहर निकालना ही स्वास्थ्य है। और गंदगी जो मेन रुकती है आपकी इस बड़ी आंत में रुकती है, जब ये भर जाती है तो फिर ऊपर की ओर बढ़ती है। इसको जैसे यहाँ से हम साफ करते जाएंगे तो ऊपर वाली गंदगी नीचे आती जाएगी और आपको तुरंत राहत मिलता जाएगा। माना किसी भी बीमारी में अगर आपको राहत चाहिए, रिलीफ चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए, 50% तक बीमारी का प्रेशर कम करना है तो अपन ये एनीमा ले सकते हैं। तो अब ये तो हुआ आपका पहला प्रकार पेट को तुरंत साफ करने का। अब ये है तो इनेचुरल क्योंकि बैकडोर से जा रहा है। अगर आप चाहे तो हम इनके बिना ही हमारा पेट साफ हो तो फिर नेचुरल तरीका अपनाएं। नेचुरल क्या है? प्रकृति हर ऋतु में पेट साफ करने के लिए औषधि देती है। अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक वो आंवला देती है, उसका रस निकाल करके सुबह खाली पेट पियेंगे तो पेट आधे घंटे में साफ हो जाएगा। चार आंवला लेंगे, काटेंगे, गुठली अलग कर देंगे, मिक्सी में डाल देंगे, आधा ग्लास पानी मिक्स करके छान करके आप लीजिए तो आधे घंटे में आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर आंवले की सीज़न ना हो तो आप चाहें तो सूखा पाउडर एक चम्मच एक ग्लास पानी में शाम को गला के रख दीजिए और दूसरे दिन सुबह छान करके लीजिए। एक तो ये, अप्रैल से जुलाई तक पेट सफाई के लिए बेलफल आता है, ये है आपका बेलफल का रस। बस ये बेलफल का रस अंदर गया, कल सुबह 8 बजे से पहले अंदर जितना भी बड़ी आंत में म्यूकस, एमोबाइस कीटाणु, चिकनाई, आँ सबको चाट मूट करके केले की तरह बंधा हुआ मल बाहर निकाल दिया और मिनटों में। ये बहुत ही बढ़िया है, सबसे अच्छा पेट साफ। कैसे बनाते हैं? बेलफल को लेकर के तोड़ दीजिए, आधा बेलफल का गूथा एक स्टील वाली भगोने में थोड़ा पानी डाल करके मस लीजिए, कड़वी गुठली बाहर कर दीजिए, बाकी मोटी स्टील की चानी में छान करके, ये पपीता शेक, मैंगो शेक का और अच्छा मीठा ही रहता है, डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं, और मीठा चाहे तो थोड़ा गुड़ या शहद मिला सकते हैं। बस ये दी बेस्ट है और इसमें दोहरी गुण भी है, अगर किसी को लूज मोशन है तो उसको बांधता पिए, माना दो गुण है इसमें। तो ये आपका पेट साफ करता है। तीसरा रहता है तुरंत पेट साफ करें। तुरंत आपका जो पेट साफ करे वो है आंवले का, ये करेले का रस, ये है आपका करेले का रस। एक करेला लेकर के उसको कटिंग कीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए, आधा ग्लास पानी मिक्स करके छान करके आप रोज़ उसका सेवन करें। ये तो घड़ी देख के 15 मिनट के अंदर आपका लूज मोशन कर देगा और पेट साफ करेगा। परंतु जिनको लो ब्लड प्रेशर है,
और लो शुगर है वो ये करेले का रस न लें, क्योंकि उनका और लो हो जाता है। बाकी जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए तो और अच्छा। इस तरह से ये अगर करेला भी ना मिले तो ये आपका ग्रीन जूस है, ये ग्रीन जूस है। मैक्सिमम इसमें 90% पालक रहती है, इसका भी अगर आप जूस लेंगे बना के तो ये भी आपको पेट साफ करने में मदद करता है। तो ये आपका नेचुरल तरीके सा है और राइट वे से अंदर जा रहा है, मुख से जा रहा है, जो आपका पेट बराबर साफ करता है। और अगर आप चाहें कि हम जो एनिमा ले रहे हैं हम एनिमा ना लें और बिना अपने पेट साफ हो जाए, तो आप जो बड़ी आंत है उसको सशक्त कीजिए, मजबूत कीजिए और मल अपने आप फेंकें। तो जो बड़ी आंत ये है, काय से सशक्त होगी, मजबूत होगी, वो आपकी होगी कटी स्नान के टब से, माना पेट को ठंडक पहुंचाना है। या आप मिट्टी पट्टी का लगाएंगे तो उससे भी बढ़िया सशक्त होगी, या टब स्नान लेंगे, ये टब रहते हैं इस तरह के, इसमें आप बाथरूम में पानी भर करके और बैठ जाइए, टांगे बाहर रहेंगी इस तरह से, और ठंडा पानी इसमें भरा हुआ है, बस इस तरह से आप रोज़ 15 मिनट लेंगे तो आपकी बड़ी आंत इससे मजबूत हो जाएगी, सशक्त हो जाएगी और मल अपने आप फेंकेगा। दूसरा रहता है, अगर ये भी ना हो वो भी ना हो तो कोई सा भी एक तौलिया लीजिए, ठंडे पानी से डुबा करके आप लेट करके ये पेड़ू पोषण पर रखिए, इंद्री से ऊपर नाभि के बीच में, तो इससे भी आपका पेट ठंडक रहेगा, माना पेट को ठंडक पहुंचाने से बड़ी आंत सशक्त हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और मल फेंकने की जो प्रक्रिया उनकी तेज़ हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई एनीमा से बचें तो फिर ये आप इस तरह से बड़ी आंत को मजबूत बनाइए। और दूसरा, जब रोग है, रोग अवस्था में भले आप कुछ दिन एनीमा ले सकते हैं परंतु हमेशा नहीं, आदत नहीं बनाना, क्योंकि आदत बनाने से फिर आप परेशान हो जाएंगे। नेचुरल तरीके से निकले वो अच्छा है, नहीं तो फिर ये जो मैंने आपको जूसेस बताए थे वो, अगर आप चाहें कि इन जूसेस को भी बचना है तो फिर एक ही काम है, और टब से भी बचें, कटिस्नान से भी बचें, इन सब उपकरणों से अगर बचना है और मल अपने आप निकले तो एक ही महान उपाय है, अपने दैनिक भोजन में अगर उम्र 20 साल से ऊपर है 80% अल्कलाइन डाइट, माना फल फ्रूट सलाद और अंकुरित अन्न लीजिए जिसमें रफेज ज़्यादा है, जो बढ़िया पेट साफ करेगा, और 20% पका हुआ भोजन। पका हुआ भोजन क्या है कि चिपकने का काम करता है और कब्ज़ पैदा करता है, और कच्चा भोजन जो है अल्कलाइन भोजन वो पेट बढ़िया साफ कर देगा। जब वो अगर आप लेते रहेंगे तो आपको किसी भी एपरेटस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उठते ही आप बढ़िया आराम से पेट टॉयलेट में जाकर साफ करें। तो ये जो मैंने आपका बताया ये दो उपाय हो गए, एक तो एनिमा और दूसरा ये आपका जूसेस। जो तीसरा उपाय है वो है लघु शंख प्रशालन। उसमें क्या है कि इन उपकरणों की ज़रूरत नहीं रहती है, उनमें ये केवल बड़ी आंत की सफाई नहीं होती है, छोटी है, इसमें बड़ी आंत छोटी आंत पेट और यूं समझो मुख से लेकर के एनस तक पूरी अगर एलिमेंट्री की सफाई करनी है तो वो है लघु शंख प्रशालन। उसके बारे में मैं आपको कल अच्छी तरह बताऊंगा। और ये जो आज है तीनों उपाय बताए, तीनों में से दो बताए, एक उपाय मैं आपको कल बताता हूँ।